दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी जैसे कि हमने एक देवेंद्र कुमार जी थे उनका पिछला अनुभव बताया था, उसी के आगे का उन्होंने अपना अनुभव भेजा है और कुछ प्रश्न भी उन्होंने पूछे हैं इस संबंध में, तो उनको भी हम यहाँ पे हल करेंगे। साथ ही साथ जो है अभिषेक के जो है कुछ प्रश्न हैं और अनुभव हैं उनके मित्र के, उसका भी हल करेंगे। दोनों अनुभवों को आज लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये माता काली का अनुभव ये भेज रहे हैं देवेंद्र कुमार जी, और पिछला अनुभव इन्होंने भेजा था जो आपको कल प्रकाशित हुआ था उसी के संबंध में था। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने आगे क्या लिखा है। गुरु जी को प्रणाम, धर्म रहस्य के सभी साधकों को प्रणाम। गुरु जी आपने मेरा प्रॉब्लम सुनी समझी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो बनाया उसके लिए भी धन्यवाद, और सभी साधक सुने इसके लिए भी धन्यवाद। गुरु जी आपके वीडियो के जरिए मुझे दो साधक मेरी मेडिटेशन से रिलेटेड, दूसरे भाई साधना रिलेटेड से मेरी मदद के लिए मेल आई हैं। इन साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साधकों को यही कहना चाहूँगा कि धर्म रहस्य के जरिए गुरु जी के जरिए आप किसी भी साधक की मदद करें, मदद वही करें जो साधक देवी देवता की कृपया सिद्धि कर चुका हो, किसी को भटकाए नहीं। जैसे मैं अलग अलग साधना करके अपना ही नुकसान कर बैठा हूँ, आज तक संभाले नहीं संभाल पा रहा हूँ। गुरु जी आप, आज मैं आपको कुछ अपने अनुभव बता रहा हूँ, इस पर प्रकाश डालें और बताएं ये सही है या गलत है। 2016 की बात है, मैं महाकाली को ही अपना इष्ट मानता हूँ और आस्था भी ज़्यादा रखता हूँ। चैत्र नवरात्रि में महाकाली की मूर्ति लाया 11 से 12 इंच की और उनकी सेवा पूजा पाठ और शनिवार को व्रत भी करता था। मैं थोड़ा परेशान भी रहता था जॉब को लेके। किसी पंडित से पूछा था, जैसे गुरु जी आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों परेशान हूँ। उस पंडित से पूछा तो मंदिर कहाँ है, घर में मूर्ति कौन से कोण में है, मैंने सब बता दिया। उस पंडित ने कहा महाकाली की इतनी बड़ी मूर्ति रखी है इसी वजह से परेशान हो, इनको घर में नहीं रखते हैं, माँ का रुद्र रूप है। मेरी माँ की मूर्ति खंडित भी हो गई थी जिस वजह से मूर्ति को विसर्जन कर दोबारा मूर्ति नहीं लाया। मेरे को काफ़ी लोगों ने, पंडित जी ने बोला कि इतनी मूर्ति को रखते नहीं है जिस वजह से दोबारा नहीं ला पाया आज तक। एक दो इंच मूर्ति लेके आया पीतल की माँ की, वही है और वह मुझे बड़ी मूर्ति लानी चाहिए या नहीं माँ की। पहला अनुभव जो हुआ इस प्रकार से है, एक बार मुझे सपने में एक अघोरी बाबा दिखे जो महाकाली की विशाल मूर्ति के आगे बैठे। उन्होंने मुझे महाकाली दीक्षा दिया था और उन्होंने मेरे आज्ञा चक्र पर हाथ रखकर शक्तिपात भी किया था और कहा कि माँ काली का कोई मंत्र जप करना है। और सपने में कभी कभार एक दो बार श्मशान में साधना भी किया। साधना के समय जब मैं घर आता तो स्नान करके आता था, ये क्रिया सब सपने में होती थी। वो कौन थे गुरु जी जो आज तक मेरे को दिखाई नहीं दिए, यानी वो व्यक्ति कौन थे अघोरी बाबा। दूसरा, एक बार मैं माँ जो है मेरे सपने में दिखाई दी ज्योति रूप में और कहा मैं अब जा रही हूँ फिर आऊँगी, जाते जाते वो महाकाली बन गई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैं जा रही हूँ फिर आऊँगी गुरु जी को बताया, इसके बारे में भी बताइए। तो दूसरा अनुभव इस प्रकार से है कि एक दिन मैं ऑफिस से आ रहा था, बहुत ही दुखी था। रास्ते में महाकाली का मंदिर पड़ता है, उस मंदिर के सामने बाहर ही खड़ा होकर बोलने लगा मैं आज इतना परेशान हूँ, कहता हूँ और आऊँगा। कहा यह सब आपको नहीं दिखता है कि तुम्हारा बालक परेशान है, मेरे साथ चलो घर माँ। और मैं जैसे घर में सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो सीढ़ियों में अंधेरा था, मुझे लगा कि पीछे से कोई आ रहा है, कोई काली परछाई में दिखाई दिया। ये पता नहीं कि रुक भी गया और फिर नीचे वापस देखा तो कोई नहीं था। गुरुजी बताएं क्या वो माँ थी या मेरा वहम था। गुरुजी ये बहुत इच्छा होती है माँ काली की बड़ी मूर्ति रखने की, आप बताएं क्या सही है 12 इंच की मूर्ति को रखना घर में। धन्यवाद गुरुजी, नामन देवेंद्र। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि जो वही मूर्ति जब खंडित हो जाती है तो उसको हटा देना चाहिए, उसको विसर्जित कर देना चाहिए जल में जाकर। यहाँ नदी, जहाँ पर नदी हो या फिर तालाब हो या जहाँ पर जल का बड़ा संग्रह हो वहाँ पर जा करके आप विधिवत रूप से उसको विसर्जित कर दीजिए। फिर दूसरी मूर्ति आप जब खरीद के लाएंगे तो वो 12 इंच से छोटी ही होनी चाहिए, बड़ी मूर्ति नहीं रखी जाती है, खासतौर से माता की भी मूर्तियाँ इस तरह से नहीं रखनी चाहिए। एक विशेष स्थान पे आपको माता की मूर्ति रखनी चाहिए, अगर घर के बाहर रखेंगे किसी स्थान पे मंदिर जैसा बना लीजिए, उस जगह को वहाँ पर करेंगे साधना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माँ का रुद्र रूप है ये बात सच है और उसकी वजह से आपको ही नहीं दूसरे लोगों को भी परेशानी हो सकती, क्योंकि वो जब आएंगी और उनके साथ में उनकी योगनियाँ, उनकी शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच वगैरह बहुत सी शक्तियाँ आती हैं
जो उनकी सेविकाएं शक्तियां हैं जिन्हें बोला जाता है, वो भी आती हैं घर में, वो भी प्रवेश करती हैं, तो इस वजह से नुकसान होने लगता है लोगों को। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि माँ की काली माता की मूर्ति का जो स्वरूप है वो घर में रखना नहीं चाहिए। अगर घर में रखते हैं तो घर का एक कोना या खंड इस तरह से बना लीजिए जहाँ किसी और का प्रवेश वर्जित रहे, और इस तरह से उसे अलग घर से अलग एक हिस्सा बना लीजिए कि वो अलग मंदिर हो जाए। घर में इस तरह से नहीं रखा जाता। दूसरी बात है कि माँ की अगर मूर्ति रखनी ही है तो आप माँ की जो ये महिषासुर मर्दिनी स्वरूप वाली मूर्ति है उसको रखिए, वो ज़्यादा अच्छी है, और उन्हीं को माता काली का स्वरूप मान के कीजिए। उसके लिए माँ काली स्वरूप में वाली मूर्ति को रखना ठीक नहीं है, वो आप मंदिर में ही कीजिए, ज़्यादा अच्छा है वो। तो इस प्रकार आप रख सकते हो, वो भी माँ काली ही स्वरूप बनाइए, क्योंकि माँ दुर्गा माँ काली में भेद नहीं है। तो इस तरह अगर महिषासुर वध वाली अगर मूर्ति आप घर में रखते हो तो बहुत शुभ होगा। दूसरी बात की आपने पूछा कि वो कौन थे जो सपने में आए थे, तो वो साधना की वजह से ही आपके पूर्व जन्म के गुरु रहे होंगे, वो आपके सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि माँ काली के मंत्रों का जाप कीजिए, तो आपको ये सब करना था। और ये भी वो समझा गए, क्योंकि जब आप स्नान करके आते थे घर में तो उसका मतलब यही था कि आप जो भी स्थापित कीजिए उसको एक सही ढंग से क्रिया कीजिए, तब जाके उसको स्थापित कीजिए, ऐसे मत कीजिए। दूसरी बात आपने पूछा कि मैं जा रही हूँ और फिर वो जो उनका मतलब यही था कि अभी तुमने स्थापित मुझे नहीं किया है और साधना तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं जा रही हूँ और फिर से वापस आ जाऊँगी अगर तुम मुझे फिर से स्थापित करोगे मंदिर में या जिस भी रूप स्वरूप में। तो मेरा यही कहना है कि सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि माँ की कौन से स्वरूप को हम घर में रखें, महाकाली के रूप में ही अगर उनको पूजना है तो उसमें महिषासुर मर्दिनी का जो स्वरूप है उस स्वरूप का आप अपने घर में मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है, उसमें आपको सफलता भी मिलती है उस स्वरूप में। और दूसरी बात सबसे अच्छी ये है कि आप उनको महाकाली के रूप में भी भज सकते हैं, महालक्ष्मी में भी के रूप में भी भज सकते हैं और महासरस्वती के रूप में भी भज सकते हैं उनको, तो इसलिए कोई समस्या नहीं रहती, इसलिए महाकाली का पूजन वहाँ पर स्वतः ही हो जाएगा घर में, तो इसलिए कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। लेकिन माता काली का वो स्वरूप जिसमें वो प्रचंड रूप में दिखाई देती हैं और जिनके नीचे शिव है, वो स्वरूप को भी घर में नहीं घर के बाहर आप उनको रख सकते हैं, क्योंकि उनके साथ नेगेटिव शक्तियाँ आती ही आती हैं, तो इसलिए आपको समस्या हो रही। और आपके पीछे जो नज़र आई थी वो वही बात थी कि माँ की कोई शक्ति आपके पीछे थी और उसी के आने की वजह से आपको इस तरह का अनुभव प्राप्त हुआ, ऐसा आपको लगा कि ये कोई चीज़ है या है जिसकी वजह से आपको महसूस हुआ कि ये कोई शक्ति हो सकती है, और वास्तव में वो कोई ना कोई शक्ति रही होगी, खासतौर से मुझे लगता है कोई योगिनी या फिर कोई उनकी जो है शक्ति जो थी वो माँ के रूप में आपके पीछे पीछे चल रही थी। कई बार ऐसा होता भी है, तो ऐसी चीज़ों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अधिकतर बहुत से लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं कि उनके पीछे शक्ति चल रही होती है और वास्तव में वो शक्ति पीछे चलती है, क्योंकि वो आपकी जो है कालिका शक्ति है, इसलिए परछाई के रूप में ही तो आपके साथ चलेगी, तो वो पीछे ही चलेगी आपके। इस बात को हमेशा ध्यान में रख के ही आपको चलना चाहिए, तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी परछाई को आप स्वयं देखोगे तो वो आपके लिए शुभ नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है किसी साधना में भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो इसी प्रकार से अब अगला जो है एक अनुभव जो है मैं ले रहा हूँ अभिषेक कुमार का, और इनका जो है इन्होंने भेजा था छोटा सा अनुभव है, उसको भी ले लेते हैं और उनके प्रश्नों का जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने लिखा है, धर्म रहस्य चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम और आदरणीय गुरु जी के चरणों को प्रणाम। गुरु जी, एक अनुभव है जो मेरे एक मित्र की है, उससे कुछ विचित्र सा सपना आया था जो उससे समझ में नहीं आ रही थी, आखिर इसका मतलब क्या है, उसे ये जानना है कि इसका अर्थ क्या है, इसलिए देरी ना करते हुए वो अनुभव आपको बताता हूँ। उसका नाम जो है राहुल कुमार है। एक बार उसने स्कूल में ही एक अनुभव बताया था जो सपने से रिलेटेड था। एक बार उसे स्वप्न में देखा कि वो लिफ्ट पे था, जगह कौन सी थी याद नहीं, वो लिफ्ट नीचे की ओर जा रही थी और लिफ्ट कहीं रुक नहीं रही थी। कुछ समय बाद उसे लगा जैसे कि वो पाताल लोक की ओर जा रहा है, और कुछ समय बाद वो जगह पूरा सफ़ेद सा हो गया। जब उसने देखा तो हैरान हो गया, वो देख रहा था कि लिफ्ट एक तरफ गिरा हुआ है और वो अपने शरीर को मरा हुआ देख रहा है। उसने देखा कि उसका गर्दन के बीच में बिल्डिंग का पिलर आर पार हो गया है। वो अपने मरे हुए बॉडी को देख रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और कुछ समय बाद वो अपने शरीर को देख रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे सर पर मारा। फिर वो सपने में उठ गया और उस दिन वो पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। इसलिए गुरुजी, आप बताइए कि सपने का अर्थ क्या है। और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ गुरुजी, बहुत अच्छी लाइन है, आप सब सुनिए इसे, अच्छा जो लगेगा वो जरूर प्रकाशित कीजिए। जहाँ ना विष हो ना अमृत,
ना सुख हो ना दुख, ना कोई मित्र ना शत्रु, वही परमानंद है। वहीं तक की यात्रा है हमारी, ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में परमात्मा प्रतिपल हमारे साथ है। गुरु जी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। जय गुरुदेव, जय माँ पराशक्ति, जय श्री कृष्ण, जय श्री हनुमान, जय। तो ये इस प्रकार से इन्होंने अनुभव भेजा है और पूछा है कि ये जो है इन्होंने देखा है उसका क्या मतलब हो सकता है। तो देखिए, स्वाभाविक रूप से जो सपने आते हैं, एक वो होते हैं, दूसरे सपने वो होते हैं जो आध्यात्म से रिलेटेड होते हैं। तो पैसे मैं स्वाभाविक प्रश्न का जवाब देता हूँ, उसके बाद आध्यात्म पे आऊँगा। तो स्वाभाविक में अपने आप को मरा हुआ देखना, इसका मतलब होता है कि आपकी उम्र बढ़ गई है। अगर आप स्वयं को मरा हुआ देखते हैं सपने में, तो इसका अर्थ होता है कि आपकी अपनी जिंदगी की जो उम्र थी वो किसी कारण से, कालचक्र की वजह से, आपकी उम्र अब बढ़ गई है। ये मरने का मतलब नहीं, यहाँ पर आप और अधिक जिएंगे, यह ऐसा इसका अर्थ होता है। ये होता है एक पहलू है, और बहुत से इस तरह के अनुभव होते हैं लोगों को, लेकिन ये साधकों के लिए नहीं है। ये स्वाभाविक जब सपना इस तरह का आता है वो उनके लिए इस ऐसा माना जाता है कि उसकी ज़िंदगी की दिन जो है बढ़ गए हैं किसी वजह से, और क्यों बढ़े हैं, इसके पीछे क्या राज है, ये आज तक नहीं समझ में आया है, लेकिन ये ऐसा इसका अर्थ निकलता है। लेकिन अगर कोई साधक इसी तरह का सपना देख रहा है तो उसका अर्थ ये होता है कि उसे अब अपने वास्तविक सत्य की ओर गमन करना चाहिए, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए या साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसे वो चीज़ दिखाकर ये समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारा जो शरीर है ये नश्वर है, और नश्वर शरीर को स्वयं देख रहे हो, इसका मतलब तुम स्वयं शरीर नहीं हो। अगर आप सर शरीर नहीं हैं तो आप शरीर से परे हैं, तो जो आप स्वयं हैं उसको ही आगे आपको बढ़ाना है। यानी कि अगर आप आत्मा हैं और अपने मरे हुए शरीर को, जो कि मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में जाके मिल जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है आप स्वयं अगर उसको देख पा रहे हैं, क्योंकि वो तो मरने के लिए ही बना है। जब वो पैदा हुआ था इसी प्रकार वो मरने के लिए बना है। तो ऐसी अवस्था में आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाहिए, गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु सानिध्य लेना चाहिए, अपने इष्ट की पूजा उपासना करनी चाहिए, इष्ट का सानिध्य लेना चाहिए, और आगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपको अनगिनत लाभ होंगे, साथ ही साथ आप अपने जो मूल लक्ष्य है जिंदगी का उसकी तरफ जरूर बढ़ेंगे। जो कि कहते हैं ना कि हिंदू सनातन धर्म के चार लक्ष्य हैं कि आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष सबसे आदमी आखिरी में आता है, लेकिन सबसे बड़ा वास्तविक पुरुषार्थ वही है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये थे आज के दो अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।